दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 12 Pro स्मार्टफोन को Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। चिपसेट की अगर हम बात करें, तो Realme 12 Pro के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 Pro Plus के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme 12 Pro की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 32 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 Pro Plus का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों, दोनों फोन का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, एकदम बढ़िया वाली फोटोज क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सबसे पहले आप Realme 12 Pro के कैमरा सैंपल देखिए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया भाई, जो कि एकदम अच्छी वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इसने डिटेलिंग्स को कितने बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और साथ ही दोस्तों Realme 12 Pro के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि एकदम बढ़िया वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। लेकिन वही दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल इंप्रूव्ड कैमरा सेटअप चाहिए ना, बिल्कुल टॉप लेवल वाला, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme 12 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। क्योंकि दोस्तों जिसका मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई एकदम शानदार वाली फोटोज क्लिक कर देता है। फोटोज के अंदर आपको कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई, एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में इस फोन के मेन कैमरा ने फोटोज को क्लिक किया है। और साथ ही दोस्तों 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी अगर आपको चाहिए ना भाई, जो कि एकदम नंबर वन वाली फोटोज आपकी क्लिक कर दे, तब भी आप यहां पर डेफिनेटली Realme 12 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो दोनों फोन के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो Realme 12 Pro के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 Pro Plus के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों Realme 12 Pro का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई, अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार सेल्फी के अंदर बिल्कुल टॉप लेवल की डिटेलिंग चाहिए ना, बिल्कुल टॉप लेवल, तब भी आप यहां पर Realme 12 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है ना भाई 32 मेगापिक्सल का, भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, और सेल्फी देख के आप खुश हो जाओगे। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो दोनों फोन्स यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, जिसमें कि Realme 12 Pro यहां पर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 Pro Plus यहां पर 100 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों फास्ट चार्जिंग ज्यादा वाली चाहिए ना भाई, तो Realme 12 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो दोनों फोन से यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Realme 12 Pro स्मार्टफोन के 8+256 GB वेरिएंट के अप्रॉक्स प्राइसिंग है 26,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन के 8+256 GB वेरिएंट के अप्रॉक्स प्राइसिंग है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहां पर भाई Realme 12 Pro बढ़िया स्मार्टफोन है, आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर ना Realme 12 Pro Plus की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो आपको कैमरा सेटअप मिल रहा है ना भाई, बिल्कुल टॉप लेवल वाला मिल रहा है, और बाकी भी कई मामलों में ना ये फोन एकदम बढ़िया है। तो भाई बढ़िया डील तो Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन ही है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।